गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। एंड जैसे कि न्यूज़ है या फिर आप कैसे कहूँ कि एक अपडेट है कि एसएससी सीजीएल टीयर टू के जो आंसर की है आउट हो चुकी है, मार्क्स कब तक आएंगे, साथ ही में एसएससी सीपीओ की डीवी की डेट आ चुकी है। तो डीवी के लिए अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो स्टूडेंट्स के सामने है वो ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट आप जो इश्यू डेट है उसको लेकर के कि वो कब का होना चाहिए कब का नहीं होना चाहिए। आपके मन में आ रहा होगा कि क्रूशियल ईयर, क्रूशियल डेट क्या थी, क्रूशियल डेट ये वो फलाना ढिकाना, इस टाइप से आपके सामने आ रहे होंगे क्वेश्चन आपके मन में कि डीवी में जाऊँ ना जाऊँ या मुझे निकाल तो नहीं देंगे या ये वो आपके मन में आ रहा होगा। सबसे पहले बता दूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन जिनके एसएससी सीजीएल टीयर टू में अच्छे जो मार्क्स हैं वो आ रहे होंगे, हालांकि उन्होंने देख लिए होंगे तो आंसर की आ चुकी है, अपने मार्क्स उनको पता ही लग गए होंगे, साथ ही में इसके जो मार्क्स हैं वो भी जल्दी ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट उनके अच्छे मार्क्स के लिए। साथ ही बता दूं कि जो सीपीओ की जो डीवी की डेट आई है उसमें आपका मैं बता दूं कि आपके सामने आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है या मेरे जो सर्टिफिकेट हैं वो क्या इशू है। तो देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जनरली पहले स्टेट लेवल पे बनता है, फिर आपका सेंट्रल लेवल पे बनता है। जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवाते हो पहले वो स्टेट लेवल से बनता है, फिर वहीं उसी तहसील में जाकर के वो सेंट्रल लेवल पे बन जाता है, उसी को दिखा करके उसी के बेस पे वो बन जाता है सेंट्रल का। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। अब इसमें आएगा क्वेश्चन कि मेरा इस डेट का नहीं है, मेरा उस डेट का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जिस डेट का है आपके पास होना चाहिए, बस आप अंडर प्रोविजन रखे जाओगे, पी लिख दिया जाएगा, बाकी का जिसका जिसके पास है उस टाइम का उसके पास सी लिख दिया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वो अंडर प्रोविजन होगा, वो जो डिपार्टमेंट है आपका वेरिफिकेशन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इस वजह से बाहर नहीं होगे, 100% लिख के ले लो। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा ईडब्ल्यूएस की क्रूशियल डेट ये वो, तो उसके लिए भी आपका सीधी सी बात है, हर साल हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती रहती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में भी डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी लोग जो इतने ड्रामा फैला रखा है, ये भाई कौन सी गवर्नमेंट है या कौन से लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन हर साल सुधर नहीं सकती या किसी की डाउन नहीं हो सकती। तो जो कंडीशन आप उस समय का लेटेस्ट टाइम का बनवा के दे रहे हो तो क्या आपको निकाल देंगे? हो सकता है कोई गरीब था तो अमीर हो गया हो, कोई अमीर है तो गरीब हो गया हो, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज नहीं हो सकती क्या? तो जनरली आप 2 साल 3 साल में रिजल्ट देते हो, हो सकता है किसी की कंडीशन इंप्रूव हो गई हो, वो ईडब्ल्यूएस में ना 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 भी ले पाए, तो उस समय का वो आप जाकर के बेनिफिट ले लेगा। तो क्या ऐसा ऐसा भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म पे पड़े हुए हैं, गूगल पे पड़े हुए हैं। तो जनरली आपका एक क्लियर होगा, डाउट होगा कि मेरा उस टाइम का नहीं था, मैं आप बनवा लूँ क्या? अगर नहीं है दोस्त तो बनवा लो, कोई डेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके डॉक्यूमेंट में अगर आप इस समय भी बनवाते हो बनवा के रख लो, उसे शो कर देना, आपका जो जब वहाँ पर जो आयोग में जितने भी लोग बैठे हैं वो जाकर के उस पर पी लिख देंगे अंडर प्रोविजन, तो उसका चेकआउट करेंगे, मतलब कि ये जो बंदे ने बनवाया है डॉक्यूमेंट ये ठीक है या नहीं। बस अगर ठीक है तो आप क्लियर हो जाओगे बाद में, बस उस टाइम पर आपके पी लिख देंगे यानी कि अंडर प्रोविजन। ठीक है, अगर किसी का उस समय का बना हुआ है तो उस पर सी लिख देंगे, इसी का मतलब क्लियर, बस डाउट क्लियर हो गया आपका। अब अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा किस टाइप के आपके मन में क्वेश्चन आंसर आते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। वीडियो बनते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।